तभी शोले पिक्चर देखी आपने? खन्ना जी देखी नहीं है, पी चुका हूँ उसे तो मैं। तो उसका सबसे बड़ा सवाल क्या था पिक्चर में? उसका सबसे बड़ा सवाल था होली कब है। सही बात, सही है ना? आपने देखी शोले मूवी? हाँ जी देखी है। तो उसका दूसरे नंबर का सबसे बड़ा सवाल क्या था? कितने आदमी थे और वो पूछा किससे गया था? कालिया से। बिल्कुल, देखो वो था कालिया, आप हो गोरिया, उससे क्या पूछा गया था, आपसे हम क्या पूछेंगे? खन्ना जी कितनी लड़कियां थी? हमारे पास कोई गुप्ता जी क्या कर रहे हैं यार, कौन सी लड़की थी? मैंने आपकी दारू पी है, आप क्या कर रहे हो? तो खन्ना जी दारू पिया, आज आप हमारी खाओ गुजिया। ठीक है गुप्ता जी। ये हमने हल्दीराम से मंगाई है, होली स्पेशल है हमारी। ठीक है, गुजिया मंगाई है हमने, इमरती मंगाई है और दही बल्ले मंगाए जो घरों में बनते हैं, तो आज हमने ऐसे मंगाए। करे चालू? बिल्कुल करते हैं। तो आओ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। ये है गुप्ता जी और ये है खन्ना जी। गाइस आज हमने होली स्पेशल पर, वैसे तो लोगों के घर पे भी ये चीजें बनती है लेकिन आज हमने बाहर से मंगाई है कि किसी के घर अगर ना बनती हो, ना बना सकता हो, तो हमने आज इसका टेस्ट करेंगे। हमने मंगाई है हल्दीराम से गुजिया, आपकी इमरती और दही बल्ले। करें चालू। गुप्ता जी होली स्पेशल पे फिर दारू बनती है या आपका बल्ले? मीठा भी बनता है यार। क्या मीठा तो बनता ही है, पर मैं तो दारू बनती है। तो दारू के हटा दे हल्दीराम दारू? नहीं नहीं कोई नहीं, पहले ये कर लेते हैं। खोले फिर? खोलो। चलो आ जाओ। खन्ना जी करें चालू फिर? बिल्कुल करते हैं, पर ये बताओ ये मीठा जो मंगा दिया आपने होली पे। खन्ना जी देखो एक चीज बताओ, आपके घर कोई आएगा, आप उसे रंग लगाओगे हल्का सा, वो आपके लगाएगा तो कुछ मीठा तो खिलाओगे ना, मुंह तो मीठा करोगे। हाँ ये तो है, तो फिर इसलिए ये मीठा मंगाया जाता है। तो फिर ये दही बल्ले क्यों मीठे थोड़ी है? खन्ना जी हर कोई ना वो नहीं होता, कुछ आपके जैसे भी होते हैं जो हल्का सा रंग लगाते कहते हैं और कहते हैं बोतल खोलो, तो आपके चखने के लिए। गुप्ता जी आप तो मेरे पीछे ही पड़े होते, बोतल 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 हर बार में बोतल ले आते हो। चलो इसको चालू करते हैं। चलो उससे पहले होली तो खेलो यार। होली तो हैप्पी होली खन्ना जी। हैप्पी होली गुप्ता जी। चलो खन्ना जी आपने तो पूरी होली बना दी है मेरी, अब करो टेस्ट करो फिर। चलो टेस्ट करते हैं, गुजिया से स्टार्ट करते हैं। पहले गुजिया से। वैसे गुजिया ना पता है हमारे घर में क्या होता है, जैसे मम्मी बनाने लग जाती है, चाचियां बनाने लग जाती है, ये जो आप डिजाइन देख रहे हो ना ये मुझे भी आता है बनाना। मैंने अच्छा? बहुत गुजिया बनाई है, बीच में बैठ के मैंने बहुत गुजिया बनाई है। आजकल वैसे मोमोज की तरह लगते हैं गुजिया? मोमोज भी ऐसे आते थोड़े मोमोज इसकी तरह लगते होंगे यार, ये नहीं लगती। मोमोज ये हम सालों से खा रहे हैं, मोमोज नई नई चीनी आइटम आ रही है। गुजिया सही है ना? गुजिया घर ज्यादा टेस्ट नहीं है लेकिन आपको सही बता रहा हूँ, अभी आपको घर की लाके दिखाऊंगा अपने हाथों की बनी। चलो गुप्ता जी आपके हाथों की चीजें खाते हैं, बीवी हाथों की माँ और आपके हाथों की गुजिया खाते हैं। सही बात है, मरती भी देखते देखते थे थोड़ी। हल्दीराम का अच्छा होता है मीठा। इमरती भी बढ़िया है, इमरती भी अच्छी है। लो आपका चखना, बिना दारू के कर लो। चलो कोई नहीं, लेकिन ये ना एक ट्रेडिशन है हमारा, हर त्योहार पे कुछ ना कुछ बनता है। असल में नमक पारे, मट्टी, पापड़, आलू के वो भी बनते हैं। खन्ना जी वैसे इन चीजों से ना होली का मजा बढ़ जाता है। ये तो है गुप्ता जी। तो इस बार मजे के लिए किसे रंग लगा रहे हो? अरे नहीं गुप्ता जी पिछली बार कारण हो गया था। क्यों? अरे पिछली बार बीवी ने बोल दिया कि किसे रंग लगाओगे। हाँ। तो मैंने कह दिया क्या नाम है तुम्हारी सहेली को, कह रही क्यों, मैं कहती तुम्हारी स्किन खराब हो जाती है रंग लगाने से। सही बात खन्ना जी, तो इस बार ना अपने पड़ोसों को जरा देख के रंग लगाना। नहीं गुप्ता जी किसी को रंग ही लगाना है इस बार। अगर बीवी ने देख लिया ना तो बिना रंग लगाए आपके गाल लाल हो जाएंगे। नहीं नहीं गुप्ता जी मैं सुबह सुबह आपके घर आ जाऊंगा। क्यों? बोतल खोलेंगे बैठ जाएंगे आराम से ताकि कोई पंगा ही ना पड़े किसी बात। ये बात सही गई ना, आप फंसोगे ना मैं फंसूंगा। हाँ, दोनों फंसना ही नहीं है। खोल रंग से लाल होंगे, हाथों से लाल नहीं होना। चलो इस बात पे इसे रेटिंग दे दो। इसे ओवरऑल रेटिंग 8 बनती है। बिल्कुल सही कह रहे हो, मेरी तरफ से देखो इसे रेटिंग 8 बनती है लेकिन आधा मैं और बढ़ाऊंगा इसे, क्योंकि ये भी ना हमें हेल्प कर रहा है अपने ट्रेडिशन फॉलो करने में। क्योंकि कई लोग बना नहीं सकते, कई लोग नहीं बनाते, तो एटलीस्ट हम घर पे तो मंगा सकते हैं ना और सबको खिला सकते हैं, तो मेरी तरफ से 8.5 रेटिंग है इसे। चलो बढ़िया भी लगा खाने में। गुप्ता जी वैसे शादी से पहले आप यही करते थे ना, रंग लगा के जाते थे, मुंह अपना छुपा के पूरे अच्छे तरीके से, और लड़कियों को रंग लगा के आ जाते थे, पता ही लगता था किसने लगाया रंग। खन्ना जी बात तो सही कह रहे हो लेकिन वो ना मैं अभी भी कर लेता हूँ। गुप्ता जी फिर पिटोगे आप, मेरे को लग रहा है ये। यार आप देखो पोले खुलवा देते हो यहाँ पर, बंद करो आप। मुझे क्या पता पैसे, बंद करो यार आप। तो चलिए फ्रेंड आपको अगर हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके बाय।